हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 7 है, बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो आपका है कर्वेचर एंड टॉर्शन का। इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड द कर्वेचर एंड टॉर्शन। आपको यहाँ पे कपा और टाउ को फाइंड आउट करना है। फॉर द कर्व एट थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा और जेड आपको यहाँ पे गिवेन है ए इंटू थीटा इंटू टेन अल्फा। यह आपका कर्व का इक्वेशन है और इसकी सहायता से आपको यहाँ पे कर्वेचर और टॉर्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है इसके पहले के वीडियोस में कि आपका कर्वेचर और टॉर्शन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इनका फार्मूला क्या होता है कपा और टाउ का। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जो कर्व का इक्वेशन है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर से। यहाँ पे हम एक्स कामा वाई कामा जेड लिखेंगे, जहाँ पे आपका जो एक्स है वो आपका ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा। वाई आपका क्या है, ए साइन थीटा है और जेड आपका क्या है, ए थीटा टेन अल्फा है। तो ये आपको यहाँ पे आर वेक्टर यहाँ पे गिवेन है क्वेश्चन में। अभी आपको फाइंड आउट करना है कप्पा और टाउ। तो सबसे पहले आप कप्पा और टाउ का फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है। ये आपका होता है आर वेक्टर डॉट क्रॉस आर वेक्टर डबल डॉट, इसका आपको मैग्नीट्यूड और अपान में आर वेक्टर डॉट की मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। तो आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है और इसका वैल्यू। जब ये दोनों फाइंड आउट हो जाएंगे तो आपका कपा आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कर्वेचर। और आपका जो टॉर्शन होता है उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आपका जो फार्मूला होता है वो आपका है आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर डबल डॉट आर वेक्टर थर्ड टाइम्स डॉट और अपान में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट क्रॉस आर वेक्टर डबल डॉट का होल स्क्वायर। तो इन्हीं दोनों फार्मूलों की सहायता से हम कर्वेचर और टॉर्शन का यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कर्वेचर को रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से और टॉर्शन आपका होता है टाउ। फार्मूला आपका यही है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आर वेक्टर डॉट फाइंड करेंगे, फिर डबल डॉट फाइंड करेंगे और फिर थर्ड टाइम्स डॉट। ये आपके पास आर वेक्टर अगर ये है तो आपका आर वेक्टर डॉट क्या होगा, इसका हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स का भी वाई का भी और जेड का भी। तो ए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का ए साइन थीटा हो जाएगा, कमा ए साइन थीटा का आपका हो जाएगा ए कॉस थीटा और ए थीटा इंटू टेन अल्फा। यहाँ पे ए और टेन अल्फा कांस्टेंट है, थीटा का वन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा ए टेन अल्फा। तो ये आपके पास आर वेक्टर डॉट फाइंड आउट हो चुका है। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे आर वेक्टर का डबल डॉट। तो माइनस ए साइन थीटा का हो जाएगा माइनस का ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा और ए टेन अल्फा दोनों क्या है, कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके प्लेस पे हम लिखेंगे जीरो। ठीक, अब यहाँ पे हम इसका थर्ड टाइम्स निकालेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉस थीटा का हो जाएगा प्लस का ए साइन थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, एक माइनस पहले से है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा ए साइन थीटा, यहाँ पे माइनस का ए साइन थीटा है तो यहाँ पे होगा माइनस का ए कॉस थीटा और ये आपका जीरो ही रहेगा। तो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, आर वेक्टर डॉट का मैग्नीट्यूड। तो अगर आपके पास आर वेक्टर डॉट ये है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर होगा। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाई का होल स्क्वायर ए कॉस थीटा है तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस ए टेन अल्फा है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। तीनों में यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर क्या है, कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो और ए स्क्वायर अगर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो आपका ए हो जाएगा और अंडर रूट में आपका देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आपका वन होता है तो इसके प्लेस में हम वन पुट कर देंगे प्लस यहाँ पे बचा है टेन स्क्वायर अल्फा। और आप जानते हो कि वन प्लस जो टेन स्क्वायर अल्फा होता है
वो किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। अगर इसको हम रूट के बाहर निकालेंगे तो आपका जो आर वेक्टर डॉट का मैग्नीट्यूड का वैल्यू है वो आपके पास ए सेक अल्फा आ जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। अब हम फाइंड करेंगे आर वेक्टर डॉट क्रॉस आर वेक्टर डबल डॉट का मैग्नीट्यूड। इसके पहले आपको फाइंड आउट करना होगा आर वेक्टर डॉट और क्रॉस, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे आर वेक्टर डबल डॉट के साथ वो क्या होगा। तो आइए सबसे पहले उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आर वेक्टर डॉट और ये आपके पास आर वेक्टर डबल डॉट, इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई जे और ये आपका के होगा। यहाँ पे आर वेक्टर डॉट में एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास माइनस का ए साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है ए कॉस थीटा है और यहाँ पे ए टेन अल्फा है। तो आपके पास ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ये आपका निगेटिव है, माइनस का ए साइन थीटा है, ये आपका यहाँ पे ए कॉस थीटा हो जाएगा और ये आपका ए टेन अल्फा हो जाएगा। अब आर वेक्टर डबल डॉट में यहाँ पे माइनस का ए कॉस थीटा है, यहाँ पे माइनस का ए साइन थीटा है और यहाँ पे क्या है जीरो है। जब आप इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इसका वैल्यू आएगा यानी कि आर वेक्टर डॉट क्रॉस आर वेक्टर डबल डॉट, ये आपके पास आएगा देखिए ए यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आर टू वाले और आर थ्री दोनों में क्या है ए ए है, इसको हम कॉमन करेंगे तो एक ए यहाँ से एक ए यहाँ से, तो ए स्क्वायर कॉमन होगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा टेन अल्फा, ये आपका आई आएगा, माइनस ब्रेकेट में कॉस थीटा इंटू टेन अल्फा, ये आपके पास यहाँ पे जे आएगा और यहाँ पे प्लस का के आ जाएगा। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब इसी का हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो आर वेक्टर डॉट क्रॉस आर वेक्टर डबल डॉट, अगर आपके पास ये वैल्यू इतना है तो इसका हम अंडर रूट में होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यदि आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर सेक अल्फा। तो आपके पास इसका वैल्यू आ गया है ए स्क्वायर सेक अल्फा। इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे आई के कोफिशियंट का होल स्क्वायर और जे के कोफिशियंट का होल स्क्वायर और फिर प्लस लगाकर के कोफिशियंट का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर सेक अल्फा। तो आप यहां से आप कपा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखिए कपा का फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट क्रॉस आर वेक्टर डबल डॉट, तो ये आपका ऊपर लिखा जाएगा। इसका वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है ए स्क्वायर सेक अल्फा अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट का होल क्यूब होता है। तो आपने आर वेक्टर डॉट के मैग्नीट्यूड का वैल्यू ए सेक अल्फा यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो इसका आप होल क्यूब करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा और ये आपका सेक क्यूब अल्फा हो जाएगा। अभी आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और अपान में आपका हो जाएगा ए। ऐसा क्यों, क्योंकि एक सेक अल्फा से यहाँ पे एक पावर कैंसिल आउट होगा, तो वन अपान में सेक स्क्वायर अल्फा को हम कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं और ए स्क्वायर अपान में ए क्यूब है तो स्क्वायर से यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो एक ए यहाँ पे बचेगा। तो आपका जो कपा का वैल्यू दैट मीन्स कि आपका जो कर्वेचर का वैल्यू है वो आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा अपान में ए आ गया है और यही आपका फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पे कपा का। अब हम फाइंड आउट करेंगे टाऊ का वैल्यू। तो आपको टाऊ में तो एक ये चाहिए अपान वाले में, अभी आपको एक वैल्यू और फाइंड आउट करना है, वो आपका क्या है आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर डबल डॉट आर वेक्टर थर्ड टाइम्स डॉट। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जाए तो आसानी से हम टाऊ का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब चलिए सबसे पहले तो आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो आर वेक्टर डॉट में एक्स वाई जेड का वैल्यू हम आर वन वाले रो में पुट करेंगे, फिर आर वेक्टर डबल डॉट में एक्स वाई जेड का वैल्यू हम आर टू वाले रो में, फिर आर
वेक्टर थर्ड टाइम्स डॉट में हम आर3 वाले रो में पुट करते हैं, तो यहां पे आपका हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा, यहां पे आपका हो जाएगा ए कॉस थीटा, यहां पे आपका हो जाएगा ए टेन अल्फा, और ये माइनस का ए कॉस थीटा, माइनस का ए साइन थीटा, और यहां पे जीरो, ये आपका हो जाएगा ए साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा माइनस का ए कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा जीरो। तो आपके पास ये चीज आ गया है। अभी आप इसको जब सॉल्व करेंगे इस वाले डिटर्मिनेंट को, अब यहाँ पे मैं आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ, आई होप आप बीएससी यहाँ पे थर्ड ईयर में आ चुके हैं तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता ही होगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे आसानी से, तो आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगा ए क्यूब टेन अल्फा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ए क्यूब टेन अल्फा आ जाएगा। तो आपके पास इसका वैल्यू आ गया है ए क्यूब टेन अल्फा। अभी आपको पता है कि आपका जो टाउ होता है जिसको हम कहते हैं टॉर्शन, इसका फार्मूला मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर स्टार्टिंग में बताया था, ये आपका आर वेक्टर डबल डॉट, आर वेक्टर सेकेंड डॉट, ये आपका थर्ड टाइम्स डॉट, और अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता है, आर वेक्टर डॉट क्रॉस आर वेक्टर डबल डॉट का होल क्या होता है, स्क्वायर होता है। अभी आप ऊपर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि आप इसका वैल्यू ये चीज फाइंड आउट किए हैं, तो ये ऊपर लिखा जाएगा ए क्यूब टेन अल्फा, अपान में इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर से एक अल्फा इसका वैल्यू आया है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर फोर, और ये आपका सेक स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब से यहाँ पे फोर पावर कैंसिल आउट होगा, तो वन अपान ए बचेगा, ये आपका वन अपान ए हो जाएगा, और टेन अल्फा को हम चलिए एक बार फिर से लिख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए टेन अल्फा है, तो टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा अपान में कॉस अल्फा, और ये वन अपान सेक स्क्वायर अल्फा है, इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा, लिख सकते हो ना कॉस स्क्वायर अल्फा, तो एक पावर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा वन अपान का ए साइन अल्फा, और इनटू में यहाँ पे बचेगा कॉस अल्फा। तो आपके पास फाइनल में जो आपका कपा का वैल्यू है वो आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा अपान में ए आ गया है, और आपके पास जो टाउ है जिसको हम कहते हैं टॉर्शन, इसका वैल्यू आपका आ गया है वन अपान का ए साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। तो यही दो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा था कि फाइंड आउट द कर्वेचर एंड टॉर्शन, जब आपको कर्व का इक्वेशन यहाँ पे गिवन था, जहाँ पे आपका जो एक्स है वो आपका ए कॉस थीटा, वाई जो है वो आपका ए साइन थीटा, और जेड आपका ए थीटा टेन अल्फा आपको गिवन था। तो अगर आपको ये दोनों फार्मूले पता है कपा और टाउ का, तो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक चीज आपका और पता होना चाहिए कि आप डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी इशू हो जाएगा तो आपका जो आंसर है वो आपका नहीं आएगा। तो आप डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करना सीख लीजिए और इन दोनों फार्मूलों को आप याद कर लीजिए, तभी आप कर्वेचर और टॉर्शन को जब भी आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कर्वेचर और टॉर्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे हम एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क के लिए देते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिखने वाला हूँ अभी जस्ट। यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड कपा एंड टाउ। कपा क्या है? कर्वेचर है। टाउ क्या है? टॉर्शन। फॉर द कर्व यहाँ पे आपको कर्व का इक्वेशन गिवन है, एक्स इज इक्वल टू ए ब्रेकेट में 3t - t³, वाई इज इक्वल टू 3at² और जेड आपको है ए ऑफ 3t + t³। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फॉर द कर्व आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड गिवेन है, तो आपको यहाँ पे प्रूफ दैट करना है कि आपका जो कपा है वो आपका 3a/2 ब्रेकेट में 9a² + 4c² (sin 2t) के बराबर है। ये आपका जो क्वेश्चन है आपके अवध यूनिवर्सिटी 2012 में आपसे पूछा गया है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, इसके बाद के सेशन में आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।